हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं PUCET 2023 के बारे में। जी गाइस, आप लोगों का PUCET 2023 का गाइस यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का रिलीज होने वाला है। किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गाइस यहाँ पे आपका PUCET 2022 का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो हम आपको वीडियो के थ्रू अपडेट करके आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले PUCET का फुल फॉर्म देखते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म से आप समझ गए कि इस एग्जाम के थ्रू आपको अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो इस यूनिवर्सिटी के थ्रू, इस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है। यहाँ पे गाइस मेडिकल कोर्सेज में आपका एडमिशन दे तो आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी में अगर तो इस एग्जाम के थ्रू आपको आसानी से मिल सकता है। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन मोड में रिलीज किया जाता है, एग्जाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा। अब गाइस ये तो हमने जो डिस्कस किया ये इसके हाईलाइट्स थे, ओके। अब इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक इवेंट, हर एक टॉपिक को लेकर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स में डिस्कस करेंगे। तो गाइस यहाँ पे यूजी पीजी दोनों सेपरेटली अलग अलग टाइम पे जो है कंडक्ट किया जाता है। यूजी का एग्जाम आप लोगों का जून में कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है, और पीजी का गाइस आप लोगों का जो एग्जाम है वो जून के एंड या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ऑल्दो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू डेट्स अनाउंस नहीं की गई है, जैसे डेट्स अनाउंस होगी हम उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को नोटिफाई कर देंगे। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की। तो गाइस आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, हम कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स अगर आप एंटर करते हैं तो आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है, मे बी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो। तो क्या करना होगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो, उसके लिए सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि गाइस जैसे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा फॉर यूजी या फॉर पीजी दोनों में से किसी भी कोर्स के लिए, उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में गाइस आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। जी गाइस, फ्रॉम स्टेप वन यानी कि आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आपको पे करके बताया जाएगा। तो गाइस आप आसानी से उसी वीडियो के स्टेप्स को फॉलो करके डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन विदाउट एनी एरर पे करके सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो गाइस जनरल कास्ट के लिए 2175 रुपीज फी है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूटी के लिए 1088 रुपीज है। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को मेक श्योर करना अपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो अभी, जस्ट अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे जैसे इसका कोई भी अपडेट आएगा, लाइक एप्लीकेशन रिलीज हो, तो वो वीडियो के थ्रू आप डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। अब गाइस आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि अगर आप इस एग्जाम के लिए गाइस अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना कंपलसरी मैंडेटरी है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो बता दो मैं आपको। तो गाइस यहाँ पे यूजी कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, आपकी एज जो है यहाँ पे 17 ईयर्स मिनिमम एज है, एज लिमिट रख दी गई है, 12 पास आउट रहने चाहिए आप यहाँ पे विद 50% मिनिमम मार्क्स, 5% का रिलैक्सेशन दे दिया यहाँ पे रिजर्व कास्ट के लिए। अब यहाँ पे बात की जाए पीजी कोर्स के लिए तो आपके पास बैचुलर्स डिग्री रहनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, 5 ईयर्स का अगेन जो है यहाँ पे परसेंट का यहाँ पे दे दिया कंसेशन दे दिया यहाँ पे रिजर्व कास्ट को। और अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट हो तो भी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने अपनी एलिजिबिलिटी कंप्लीट देख ली। अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, क्योंकि अगर आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अगर आपका ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गाइस आप आसानी से यहाँ पे PUCET 2023 के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी कोई टेंशन लिए बिना। आप डायरेक्टली इस एग्जाम को क्लियर करके जो है गाइस क्रैक कर सकते हो। अगर आपका पैटर्न, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होती है। तो आइए आपके डाउट्स यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही लगे सिंपली वो एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपका जो ड्यूरेशन है गाइस यहाँ पे टोटल वो यहाँ पे हर एक कोर्स पे डिपेंड करता है, कौन सा कोर्स आप सेलेक्ट करते हैं उस हिसाब से ड्यूरेशन रहेगा। पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, हर एक सही आंसर पे 2 मार्क्स दिए जाएंगे, गलत आंसर पे आपका 0.5 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। सो गाइस अब बात की जाएगा सिलेबस की, तो आप लोगों का जो सिलेबस है यहाँ पे काफी ज्यादा वास्ट था, तो कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए सिंपली डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करके वहां से आप डिटेल सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें आपकी बेसिक सी डिटेल्स रहती है, लाइक फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सब्जेक्ट, टाइमिंग, ये सारी डिटेल्स दी हुई रहती है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि गाइस आप लोगों का जब एडमिट कार्ड रिलीज होता है तो कई सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट ऐसे रहते हैं
जिन्हें नहीं पता होता एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना, ऑफिशियल लिंक कौन से, और वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते। तो गाइस आपके साथ ऐसा कुछ नहीं, सिंपली आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होगा हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को देख के आप एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। सेम एज इट फॉर रिजल्ट, रिजल्ट भी आपको तुरंत नोटिफाई कर दिया जाएगा, लाइव रिजल्ट चेक करके बताएंगे, जिससे आप आसानी से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। सो नाउ आई होप कि आप लोगों को PUCET 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कुछ डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।